एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। देखो सम निकालना है तो पहले इस नंबर को लिखो जो ये इंटीजर दिया है माइनस, तो पहले इस साइन को हटाना है, इस साइन को हटा दो तो 7 बचेगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, मतलब जैसे 1 हो गया और 6, क्योंकि इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए, तो सब में इसका माइनस दिया तो माइनस लगाओ, माइनस माइनस जाएगा, पहला पार्ट ये हो जाएगा। इसके कई हो सकते हैं -7 में जो है, और भी हो सकते हैं, जैसे -2 हो जाएगा और इसको अगर हम सब जोड़ेंगे तो माइनस कितना -5, और भी हो सकते हैं -7 के ग्रेटर वैल्यू रखो -9 और इसका कितना हो जाएगा 2। इन सब का सम अप लेंगे हम सब कितना आएगा, अगर हम सब इन सब का सम निकालें तो देखो पहले का सम निकाले अगर हम सब तो कितना आएगा -1 + -6, सेम साइन है जुड़ जाएगा। इधर देखो इसका सम निकाले हम सब तो कितना आएगा, इन सब का -2 + -5 तो कितना हो जाएगा -7। इधर का भी सम निकालो तीसरे वाले का भी, तो -9 + 2, ये ग्रेटर वैल्यू माइनस में है, 9 माइनस में, इसलिए आंसर जो है माइनस में आएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन अगर हम सब बात करें इसका, सेकंड जो है सम इज 40। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम सब सेकंड वाले पार्ट का, ये हम सब का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट सम कितना आना चाहिए, सम इज 40, तो इसके दो पार्ट करो 40 के, जो कि ऐड करने पे इतनी आनी चाहिए हम सबका, तो एक 2 हो जाएगा, इसको इसमें सबट्रैक्ट कर दो तो ये 12 हो जाएगा। अगला देखो 40 के और भी पार्ट हो सकते हैं, ये कितना हो सकता है हम सबका, ये हो जाएगा जो है -2 और 16, और 14 का और भी हो सकता है -4 और 18, ये इस तरीके से इसका कई जो है कई आंसर आ सकता है, अगर सम वाले की बात करें हम सब कई आंसर आ सकते हैं। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन लिखते हैं, डिफरेंस इज 6, अगर डिफरेंस 6 है तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम सब लगाएंगे इसको, इसके भी कई आंसर हो सकते हैं, सम और डिफरेंस के कई क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफरेंस इज कितना है 6 है, तो इसको 6 के दो पार्ट करो कि सबट्रैक्ट करने पे आपको कितना आना चाहिए 6। देखो डिफरेंस इज 6 है तो सबट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए हम सबका 6 है, तो 8 हो जाएगा, 8 में से 2 सबट्रैक्ट करो कितना आएगा 6 आएगा। अगला देखो एक 16 हो सकता है, 16 में जो है कितना सबट्रैक्ट करो 10 सबट्रैक्ट करो, तो इसके दो डिफरेंट हो सकते हैं कि हम सब सबट्रैक्ट करने पे, जैसे देखो 8 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर 16 माइनस 10 हो जाएगा, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, यही हम सबका पहले वाले क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, तो अब की बार कौन से इंटीजर लिखने हैं, यहाँ पे देख रखा है, पहले में कंडीशन नहीं दिया था कौन सा इंटीजर लिखना, लेकिन यहाँ कंडीशन देख रखा है कि कैसा इंटीजर आपको लेना है, नेगेटिव इंटीजर। हम सबको पता है कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं, देखो जो इंटीजर्स होते हैं वो एक पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, अगला एक जीरो भी होता है इसी में, उसके बाद निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, अब की बार कैसा इंटीजर पूछ रहा है, बोल रहा है निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 8। देखो 8 को पहले यहां लिखो, तो 8 को समझना है कि किसका किसका डिफरेंस 8 होता है, देखो एक तो 2 और 10, 2 को 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आएगा, तो निगेटिव इंटीजर्स पूछ रहा है तो माइनस यहां लगा दो, तो माइनस देखो माइनस है, डिफरेंस पूछा है इसका मतलब माइनस करना है, तो यहां से देखो आ रहा है क्या -2 फिर -10 = -2 - - +, हो जाएगा ये 10 हो जाएगा = कितना हो जाएगा 8 आएगा। हम सबका अगला जो क्वेश्चन है राइट, हम सबका अगला जो क्वेश्चन है राइट अ नेगेटिव इंटीजर
अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम, हुज सम इज माइनस फाइव. कितना देख रखा है? माइनस फाइव होने चाहिए. अब देखो यहां पे क्या करेंगे, हम सब सम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, इसका हम सब सॉल्व लिखेंगे. आंसर लिखें या सॉल्व सेम है, तो हम सब ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व लिखते हैं, इसको आंसर नहीं लिख सकते. देखो तो माइनस पहले यहां लिखो सम कितना आना चाहिए, सम इज माइनस कितना फाइव. जैसे कि पहले यहां पे एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर. तो पहले ये समझना है कि किसको किसको ऐड करने के जो है फाइव आते हैं. तो जिसमें एक नेगेटिव लेना है तो एक मतलब बड़ा होना चाहिए. ये जैसे नेगेटिव फाइव है तो आपको एक टू हो जाएगा, एक माइनस कितना हो जाएगा सेवन, क्योंकि इन सब का सम अप लेना है. सम मतलब एक प्लस भी करना होगा पॉजिटिव वाले प्लस को. ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये अब चेक करते हैं, यहाँ चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ये फाइव कितना, माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या आंसर लिखे, टू प्लस माइनस सेवन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू माइनस सेवन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में फाइव. माइनस फाइव, माइनस फाइव दोनों जो है दोनों साइड इक्वल है. इसका मतलब हम सब का जो इंटीजर हो गया, तो हम सब देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो हम सब का टू होगा, और नेगेटिव इंटीजर जो होंगे, नेगेटिव इंटीजर जो होगा वो हम सब का माइनस सेवन हो जाएगा. यही दोनों आंसर है, आंसर लिखेंगे टू और माइनस सेवन.